हेलो दोस्तों, तो कल रात को मैं वो मूवी देख के आया जिसकी बातें तो बहुत हो रही है लेकिन रिजल्ट कुछ खास नहीं निकल रहा है। यानी कि बादल दिखने के कुछ और बरसने के कुछ और ही है गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं भेड़िया मूवी के बारे में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं इसका रिव्यू लेकर आया हूँ, देखते हैं क्या क्या है। देखो दोस्तों मैं हॉलीवुड का बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरे को अगर कोई बोले ना कि आप भाई कौन सी मूवी सबसे पहले देखना प्रेफर करोगे तो मैं सबसे पहले बोलूंगा हैरी पॉटर जाके देखो भाई, मजा आ जाएगा। और तो और दुनिया भर की सारी हॉलीवुड स्टोरीज और जापानीज चाइनीज मूवीज को लेके मैं इतना ज़्यादा वो रहता हूँ कि भाई मूवी कभी भी दिखा दो ऐसी। लेकिन हाल ही फिलहाल ही एक हॉरर फनी यूनिवर्स की एक मूवी रिलीज होकर निकल के आती है बॉलीवुड के अंदर। यार बॉलीवुड 16 साल पहले और आज के कॉन्सेप्ट में बहुत डिफरेंस हो चुका है। आज के टाइम में बॉलीवुड खत्म हो चुका है, डिस्ट्रॉय। लेकिन बात वही रह गई कि यार आप कितनी ही कोशिश कर लो, न्यू क्रिएटिविटी आपकी दब जाती है जब लोग कॉपीराइट कंटेंट बनाने लग जाते हैं। यार खत्म कर दिया। लेकिन हाँ, कुछ नवा करने की जोश में इन्होंने कुछ अलग करके दिखाया है। मूवी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि भाई एक दिल्ली का एक लड़का एक जगह पे जाता है, वहां पे उसको कुछ काम होता है तो वहां पे उसको बेचारे को भेड़िया काट जाता है। अब बात करते हैं एक्ट्रेस की, जिसपे अभिषेक और दीपक ने पूरा का पूरा कॉमेडी अपने शोल्डर्स पे ले लिया। इनकी सादगी ने एक कॉमेडी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा सा क्रिएट करके रखा हुआ था। मूवी देखने वाला था कि इन्होंने पूरी कॉमेडी बहुत अच्छे से निभाई। आप ट्रेलर में भी देख ही सकते हो कि इनकी सादगी ने ही बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रखा था। रह गई बात वरुण धवन की, वरुण धवन ने अपने करियर का बेस्ट एक्टिंग दिया, मजा आ गया। क्योंकि इसके इस काम की वजह से ये मूवी शायद थोड़ी बहुत तो ऊपर जा ही नहीं है। यार ये अपना बजट कवर कर ले, मेरे को इस बात पे भरोसा नहीं था, लेकिन थोड़ा थोड़ा गेन करने के बाद मुझे लग रहा है कि हाँ कर ही ले। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि जिस हिसाब से दृश्यम चल रही है इस हिसाब से नेवर एक्सपेक्टेड दिस थिंग। क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि दृश्यम रुक जाएगी और ये बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये अपोजिट हुआ। दृश्यम ने अपना बजट से भी ट्रिपल कवर करने की पूरी कदार पे पहुंच गई है। और यही जो भेड़िया है, हाँ मैंने दोस्तों की स्ट्रीक्स और सब चीजों पे मैंने देखा है कि लोग जा रहे हैं, एक्चुअली इसको पसंद कर रहे हैं, लेकिन जो स्टोरी का रिव्यू देखे हैं उस हिसाब से वो चीज नहीं निकल के आ रही है। और मैं भी मूवी को देख के फील करके आया हूँ कि एंटरटेनमेंट फुल है, फैमिली मूवी है, आप दोस्तों के साथ फैमिली के साथ जाके देख सकते हो, बट वो मजा नहीं है जो मूवी में एक होना चाहिए और इसी वजह से शायद थोड़ा सा पंगा बढ़ रहा है। बाकी सब आगे देखते हैं कि कितना इसका बजट, या बाकी देखते हैं कितना बड़ा बजट रिकवर करती है या कितना प्रॉफिट में जाती है, उसके बारे में शॉर्ट वीडियो डालूंगा और देखते हैं क्या होता है। कि अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।